अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने बात की कि व्हाट इज मोनोपोली, व्हाट आर काजेस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोली, व्हाट आर द शेप एंड नेचर ऑफ फर्म्स रेवेन्यू कर्व। देयर आर टू रेवेन्यू कर्व, वन इज एवरेज रेवेन्यू दैट इज नेगेटिवली स्लोप्ड, एवरेज रेवेन्यू कर्व इज आल्सो नोन डिमांड कर्व ऑफ द फर्म। Other revenue curve is minor revenue. Minor revenue curve lies below the average revenue curve, and slope of both average revenue and minor revenue curve are negative. And marginal revenue curve lies below average revenue curve, and its slope is half of slope of average revenue curve. So now we are interested to know how equilibrium of the firm in short run under monopoly is determined. What is meant by equilibrium of the firm? How profit maximizing price and quantity are determined? So firm is in equilibrium where minor revenue is equal to minor cost of the monopolist firm. What is meant by minor cost and minor revenue equality? It simply means where minor cost curve intersects minor revenue curve, at that point firm is in equilibrium. So that much price will be charged. How price is determined? We draw perpendicular towards y-axis. This will give us point at point E. Marginal cost is equal to minor revenue. We will draw perpendicular towards x-axis to determine quantity produced by the firm. This is profit maximizing output level, XM. M denotes monopoly. X is showing simply output. In order to determine price, we extend this perpendicular from point E towards average revenue curve. So when we draw perpendicular from point E towards average revenue curve D dash, that is also known as demand curve, perpendicular intersects average revenue curve at point C. From point C we will draw another line or perpendicular towards y-axis. So this will give us an idea of price charged by monopolist. So you can see it is denoted as PM. PM means price charged by monopolist. So what is profit maximizing price charged by the monopolist? PM. What is the profit maximizing level of output under monopoly in short run? Answer is XM. अब हमने देखना है कि फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है या लॉस की सिचुएशन में है. मोनोपोलिस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स एबनॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट चार्ज करता है. रेयर केसेस हैं जब मोनोपोलिस्ट जो है वो लॉस की सिचुएशन में हो. एटलीस्ट ये नॉर्मल प्रॉफिट तो अर्न कर ही रहा होगा क्योंकि मार्केट के अंदर कोई दूसरी फर्म मौजूद नहीं है और फिर इसकी जो प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस कर रहा है मोनोपोलिस्ट या मोनोपोलिस्ट फर्म, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर दैट. अब इस क्वेश्चन को हम बाद में आंसर करते हैं कि क्या मोनोपोलिस्ट हमेशा एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है. तो आंसर ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स बट नॉट ऑलवेज.
anyways, now we have to see either this monopolist firm is earning profit or loss. तो जैसे हमने परफेक्ट कंप्यूटेशन के केस में देखा था कि हम फर्म का टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट फाइंड करते हैं, तो प्राइस टोटल रेवेन्यू पहले हम फाइंड करेंगे, तो टोटल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी. सो प्राइस इज पी एम, क्वांटिटी इज एक्स एम. इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे? क्वांटिटी है ओ एक्स एम के इक्वल और प्राइस है ओ पी एम के इक्वल. सो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू ओ पी एम मल्टीप्लाई बाय ओ एक्स एम. सो दिस इज इक्वल टू दिस होल एरिया इक्वल टू ओ पी एम सी एक्स एम. दिस इज टोटल रेवेन्यू. अब टोटल रेवेन्यू में से हमने टोटल कॉस्ट माइनस करनी है ताकि प्रॉफिट फाइंड कर सकें या लॉस. अगर टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट का आंसर पॉजिटिव वैल्यू हो तो दिस मीन्स प्रॉफिट. अगर पॉजिटिव वैल्यू हो, इफ टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट आंसर इज नेगेटिव वैल्यू, दिस शोज लॉस. एंड इफ टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट आंसर इज जीरो, इट मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट. एनीवेज, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू ओ पी एम सी एक्स एम. टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं? ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था, ये शॉर्ट टर्म एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व को जिस पॉइंट के साथ टेंजेंट होता है, इस केस में पॉइंट बी. पॉइंट बी जो है हमें आइडिया दे रहा है एवरेज कॉस्ट का. एवरेज कॉस्ट को जब हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं आउटपुट के लेवल से, पर यूनिट एवरेज कॉस्ट है ओ ए के इक्वल. पहले हम परपेंडिकुलर की इंटरसेक्शन देखेंगे एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व के साथ, दैट इज एट पॉइंट बी. अब पॉइंट बी से हम इसको वाई एक्सिस की तरफ एक्सटेंड करते हैं, तो पॉइंट ए तक. इसका मतलब यह है कि एवरेज कॉस्ट है ओ ए और टोटल आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है ओ एक्स एम. तो जैसे टोटल रेवेन्यू फाइंड करने के लिए हमने ओ पी एम को ओ एक्स एम से मल्टीप्लाई किया था, इसी तरह टोटल कॉस्ट फर्म की कैलकुलेट करने के लिए हम एवरेज कॉस्ट ओ ए को टोटल आउटपुट ओ एक्स एम से मल्टीप्लाई करेंगे. फॉर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ओ ए बी एक्स एम, ये जो वाइट एरिया है. जो डिफरेंस है टोटल रेवेन्यू इक्वल टू ओ पी एम सी एक्स एम और टोटल कॉस्ट ओ ए बी एक्स एम, डिफरेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट. और ये शेडेड एरिया जो है ये प्रॉफिट को शो कर रहा है. तो इस केस में मोनोपोलिस्ट इज अर्निंग एबनॉर्मल प्रॉफिट. क्यों? क्योंकि उसकी जो प्राइस चार्ज कर रहा है दैट इज सफिशिएंटली हायर देन एवरेज कॉस्ट. अब ये चीज इन में रही कि मोनोपोलिस्ट जो है वो दो डिसीजन में से एक डिसीजन जो है वो ले सकता है एट ए टाइम, दोनों नहीं ले सकता. क्योंकि मोनोपोलिस्ट का डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड है, जो ये शो कर रहा है कि मोनोपोलिस्ट जो फर्म है वो प्राइस मेकर है, प्राइस सेटर पोजीशन है उसकी. तो इसलिए मोनोपोलिस्ट ज्यादा क्वांटिटी उसी सूरत में सेल कर सकता है जब वो अपनी प्राइस को कम करेगा. अगर मोनोपोलिस्ट ये चाह रहा है कि वो ज्यादा प्राइस चार्ज करे तो फिर वो थोड़ी चीजें बेच सकता है, क्योंकि जब प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड कम होती है. नेगेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. जब मोनोपोलिस्ट ये चाहे कि उसकी सेल्स ज्यादा हो तो फिर उसे अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम करनी पड़ेगी. सिंपल नेगेटिवली स्लो डिमांड कर्व की वजह से, यू नो अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम. इफ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस. दिस इज सिंपल लॉ ऑफ डिमांड. तो यहाँ पे चूंकि डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड है मोनोपोली के केस में,
सो डिमांड कब बढ़ेगी, लोग ज़्यादा चीज़ें कब खरीदेंगे जब प्राइस कम होगी। सो मोनोपोलिस या तो क्वांटिटी के बारे में डिसाइड करता है या प्राइस के बारे में, दोनों चीज़ों के बारे में वो एट द सेम टाइम डिसीजन नहीं ले सकता, यानी दोनों चीज़ों को, यानी अगर मोनोपोलिस ये चाह रहा है कि प्राइस भी ज़्यादा हो और वो सेल्स भी ज़्यादा हों तो ऐसा नहीं होगा, उसे ज़्यादा सेल्स का टारगेट अचीव करने के लिए प्राइस कम करनी पड़ेगी। सो ये प्राइस सेटिंग बिहेवियर की वजह से ये सिचुएशन है कि मोनोपोलिस्ट चार्जेस सॉरी मोनोपोलिस्ट टेक्स एनी ऑफ टू डिसीजंस एट अ टाइम बट नॉट द बोथ। अब जो ये पॉइंट ई या एक्स एम ही फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट है, तो इस की टू कंडीशन है। तो एक कंडीशन है कि एम सी इज इक्वल टू एम आर, और दूसरी कंडीशन ये है कि जब एम सी कर्व एम आर कर्व को इंटरसेक्ट करे तो ये उसका राइजिंग पॉइंट पे हो, यानी मिनिमम पॉइंट के बाद वाले एरिया में उसकी इंटरसेक्शन होनी चाहिए। तो एनीवेज, अब आप में से कोई शख्स अगर मुझे ये बता सके कि ये तो है अबनॉर्मल केस अबनॉर्मल प्रॉफिट का, अगर मोनोपोलिस्ट नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रहा हो तो फिर मार्जिनल कॉस्ट कर्व और जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व की इंटरसेक्शन है वो किस पॉइंट पे होगी। देखें, जब नॉर्मल प्रॉफिट की हम बात करते हैं तो तब टोटल रेवेन्यू इक्वल होता है टोटल कॉस्ट के, तो अब ये जो शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व है ये अभी तो है ना यहाँ पे लाई कर रहा, अगर ये शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व पॉइंट सी से पास हो तो ऐसे केस में जो मोनोपोलिस्ट है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में फर्म का टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट बराबर होंगे। आप इमेजिन करें कि ये जो शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व है ये पॉइंट बी के बजाय अगर पॉइंट सी से पास होता है, ये यहाँ से गुजर रहा है, तो फिर क्या होगा, हम ये फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट तो यही होगा पॉइंट ही, हम टोटल रेवेन्यू फाइंड करने के लिए प्राइस फाइंड करेंगे, प्राइस फाइंड करने के लिए हम पॉइंट ई से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे टुवर्ड्स डिमांड कर्व, वो पॉइंट सी तक आएगा, फिर हमें प्रॉफिट फाइंड करने के लिए टोटल कॉस्ट चाहिए, टोटल कॉस्ट के लिए पहले हम एवरेज कॉस्ट डिटरमिन करेंगे। एवरेज कॉस्ट कैसे डिटरमिन होती है, जहाँ पे ये परपेंडिकुलर एवरेज कॉस्ट कर्व को इंटरसेक्ट करता है, अभी तो पॉइंट बी पे कारण, इसलिए एवरेज कॉस्ट इक्वल है ओ ए तक। अगर जो है ये एवरेज कॉस्ट कर्व पॉइंट बी के बजाय पॉइंट सी से गुजर रहा होता तो फिर परपेंडिकुलर एवरेज कॉस्ट कर्व को पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट करता, पॉइंट सी से हम वर्टिकल एक्सिस की तरफ मूव करते एवरेज कॉस्ट की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो वो भी पी एम के इक्वल होती, इतनी ही होती, यानी पी एम और ए ये दोनों वैल्यू सेम होती, और ऐसे केस में टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू फर्म का इक्वल होता, और ऐसी सिचुएशन में फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होगी। अब हम इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं कि क्या मोनोपोलिस्ट हमेशा एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है, तो इसका आंसर सॉरी क्या मोनोपोलिस्ट हमेशा एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है, तो इसका आंसर ये है मोस्ट ऑफ द टाइम्स बट नॉट ऑलवेज। अब ये बट नॉट ऑलवेज क्यों है, लेकिन जब कभी भी मोनोपोलिस्ट को ये खतरा होगा कि कोई दूसरी फर्म मार्केट में एंटर हो रही है तो
तो वो उसकी एंट्री रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, उसकी एंट्री को रोकने के लिए वक्ती तौर पे टेम्परेरली वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम कर देगा। तो ऐसी सिचुएशन में दूसरी फर्म जो है वो मार्केट में एंटर नहीं हो सकेगी। वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब फर्म मार्केट में एंटर होती है तो इनिशियली उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, क्योंकि इनिशियली फर्म थोड़ी स्मॉल लेवल पर चीज़ें प्रोड्यूस कर रही होती है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है लार्ज स्केल में, लार्ज स्केल जब प्रोडक्शन होती है तो सिचुएशन में फर्म्स को इकोनॉमी ऑफ स्केल एट्सेट्रा के एडवांटेजेस होते हैं। तो स्मॉल प्रोडक्शन है, उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन शुरू में ज़्यादा है, शुरू में और भी बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं। ऐसी सिचुएशन में फर्म की कास्ट ज़्यादा होगी तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है। अब फर्म अगर इस पहले वाली फर्म जो जो न्यू फर्म है जो मार्केट में एंटर होने का सोच रही है, या इवन वो मार्केट में आ भी जाती है, वो पहले वाली जो मोनोपोलिस्ट फर्म है उसको कंपीट नहीं कर सकेगी। क्यों? इसलिए कि कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उसे भी अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम करनी पड़ेगी, जो ये कर नहीं सकती, क्योंकि इसकी अव्वल तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले ही ज़्यादा है, और फिर अगर ये अपनी प्राइस भी कम कर देती है तो फिर इसको रेवेन्यू कम हो जाएगा जो इसके एक्सपेंडिचर को पूरा नहीं कर सकेगा, तो फर्म जो है वो लॉस की सिचुएशन में चली जाएगी। इसलिए जो पहली मोनोपोलिस्ट एग्जिस्टिंग मोनोपोलिस्ट फर्म है ना, वो न्यू एंट्रेंट्स को कैसे मार्केट में एंटर होने से रोकती है? अपनी प्राइस को कम करके। तो शायद आप लोगों को एक्सपीरियंस हो या सुना हो, जब एक रोड के ऊपर जो है फॉर एग्जाम्पल एक ट्रांसपोर्ट सर्विस है जो जिसको मोनोपोली की जो है वो सिचुएशन है, शालीमार की आप एग्जाम्पल ले लें, तो इस रोड पे और भी ट्रांसपोर्ट कंपनीज ने यहाँ पे बस सर्विस शुरू करने का सोचा है या उसकी कोशिश भी की है, तो शालीमार ने उनको कैसे रोका है? तो शालीमार वाले तो वैसे डंडे के जोर पे भी रोकते हैं। ये रूट लेन चाहिए होता है किसी भी ट्रांसपोर्ट, किसी भी रोड पे ट्रांसपोर्ट सर्विस चलाने के लिए पहले तो वो कोशिश करते हैं कि ये रूट किसी और को मिले ही नहीं, और अगर मिल भी जाए तो फिर ये वक्त तौर पे क्या करते हैं, ये अपनी जो किराया है वो उसको कम कर देंगे। और भी आपको एग्जांपल ऐसी मिल सकती है अदर सिटीज में। तो न्यू फर्म उस लो कम किराए पे जो है वो इनको कंपीट नहीं कर सकेगी। कुछ देर हो सकता है लॉस भी बर्दाश्त कर ले, लेकिन अल्टीमेटली उसे मार्केट से भागना पड़ेगा, क्योंकि लॉस आप किसी हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये आंसर है कि क्या मोनोपोलिस्ट हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है? आंसर इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स बट नॉट ऑलवेज। ऐसी सिचुएशन में जब फर्म को न्यू फर्म किसी और फर्म की मार्केट में एंट्री का खतरा हो, डर हो, तो ऐसी सिचुएशन में वो अरवी तौर पे मसलहतन स्ट्रेटेजिकली वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस कम कर देगा, जिसकी वजह से दूसरी फर्म उतनी कम प्राइस ऑफर नहीं कर सकेगी और मार्केट तो यह था शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। तो लॉन्ग रन सिचुएशन जो है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कब होता है मोनोपोलिस्ट फर्म का, तो इसको जो है वो आप फिगर 6.5 में देखें, और वो ये है कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में डिफरेंस क्या है, कि जो लॉन्ग रन कास्ट कर्व हैं वो वरा शॉर्ट रन कास्ट कर्व से वरा डिफरेंट होते हैं। आप देखें ये जो डैश लाइन है, दीज आर शॉर्ट रन कास्ट कर्व, SACS शॉर्ट टर्म एवरेज कास्ट कर्व, SMCS शॉर्ट टर्म मार्जिनल कास्ट कर्व,
short on minor cos curve intersects short on every cos curve at point A, that is minimum point. जो लॉन्ग रन कॉस कर्व होते हैं वो थोड़े ओपन होते हैं शॉर्ट रन कॉस कर्व के मुकाबले में, थोड़े फ्लैट होते हैं. और दिस इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस कर्व एंड दिस वन इज लॉन्ग रन माइनर कॉस कर्व. लॉन्ग रन में फॉर्म कब इक्विलिब्रियम में होगी? व्हेन लॉन्ग रन माइनर कॉस कर्व इंटरसेक्ट्स माइनर रेवेन्यू कर्व एट पॉइंट ई. तो दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट. इससे अब आप प्राइस और रेवेन्यू को डिटरमिन करेंगे. तो प्राइस के लिए हम क्या करेंगे, ई को एक्सटेंड करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे प्रोडक्ट एक्स एक्सिस और एवरेज रेवेन्यू कर्व या डिमांड कर्व तक जो कि डी है. तो पॉइंट ए तक एक्सटेंड करेंगे इसको, फिर आप वर्टिकल एक्सिस पे लेके जाएंगे. तो दिस विल गिव यू वैल्यू ऑफ प्राइस. आउटपुट की वैल्यू कितनी है, पॉइंट ई से आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस तक जो कि क्वांटिटी का आउटपुट का एक्सिस है. तो एक्स ई ये आउटपुट लेवल और टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म इज ओ पी ए एक्स ई. टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखेंगे ये जो परपेंडिकुलर है ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है. तो ये पॉइंट ई डैश पे करता है यहाँ तक. तो इससे आप वर्टिकल एक्सिस पे जाएंगे तो ई तक आपको एवरेज कास्ट का पता चलेगा, लॉन्ग रन एवरेज कास्ट. सो लॉन्ग रन एवरेज कास्ट इज ओ ई ओ ई और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया ओ एक्स ई से. तो ये जो वाइट एरिया है ना ओ ई ई डैश एक्स ई, दिस इज टोटल कास्ट ऑफ द फर्म. टोटल रेवेन्यू इज ओ पी ए एक्स ई. टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट इज इक्वल टू व्हाट, प्रॉफिट ऑफ द फर्म. तो अगेन ये जो शेडेड एरिया है दिस इज प्रॉफिट ऑफ द फर्म. और लॉन्ग रन में भी जो फर्म है, फर्म इज अर्निंग एबनॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन. तो यहाँ पे जो है हम स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम न्यू अनदर मार्केट स्ट्रक्चर को जो है हम स्टडी करेंगे. If you people have any question, we will see at 10 o'clock for question answer session also. Thank you.